गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास सेवेंथ. 9.1 एक्सरसाइज 9.1 में फिल इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक्स को फिल करना है. एक पेंसिल का कॉस्ट बता रहा है 8 रुपीज़. तो 15 पेंसिल का दाम क्या होगा? 8 × 15, क्योंकि एक का तो 8 है, तो 8 × 15 120 रुपीज़ हो जाएगा. A man earns 135 every day. He will earn month of September. September month में 30 days होते हैं, तो 30 × 135, तो ये हो जाएगा 0, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 110, और 3 × 1 = 3, 14, 4050 rupees. An aeroplane flies 1350 किलोमीटर पर आवर. इट टेक्स हाउ मेनी आवर्स? तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3750 चलेगा, और इसमें अगर हम 1350 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 25/9 आ जाएगा. इसी तरीके से देखिए बाकी क्वेश्चन आप खुद से करिएगा. जी नंबर, पिकनिक पार्टी ऑफ 23 पेज 92, यानी 9200/23, तो कितना निकल के चलाएगा, ये होगा 130. तो ये आ जाएगा 92 होता है, 400 आ जाएगा, तो 17 लोगों का बताना पड़ेगा. 17 × 400, 0 × 0 = 28, 7 × 4 = 28, 4 × 1 = 4, और 2, यहाँ 6 आ जाएगा. 4 × 7 = 28, 2 कैरी, 4 × 1 = 4 और 2, 6, इतना रुपीज़, 6800. इसी तरीके से हम जे नंबर करेंगे. 7 pen cost 91 पेंस का बताना है. तो हमें ये पता है कि 1 पेन का कितना हो जाएगा, 92/7, 7 × 7, यहाँ 91/7 हो जाएगा, तो ये 13. 1 पेन का दाम कितना हो जाएगा, 13, तो 13 × 23, जो कि होगा 299 रुपीज़. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए. अ कार ट्रेवल्स 240 किलोमीटर इन 3 आवर्स. अब वो 240 किलोमीटर जाती है 3 आवर्स में, तो पर आवर 1 आवर में कितना जाएगी, 1 आवर में वो जाएगी 240/3, यानी 80 किलोमीटर जाएगी, यानी वो पर 80 किलोमीटर पर आवर चल रही है. तो पूछ रहा है, ए पूछ रहा है 1440 किलोमीटर चलने में वो कितना टाइम लेगी, टाइम कितना लगेगा. तो हम ये जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना है, 1440 किलोमीटर, और वो जाएगी कैसे पर. देखिए इसको क्या करेंगे, हमें टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड हमारी क्या है, 80 किलोमीटर स्पीड. तो डिस्टेंस हमारा कितना है, 1440 अपन स्पीड क्या है, 80 पर आवर. एट जा 18 आवर्स लगेंगे. अब ये पूछ रहा है सेकंड, इसी में बी,
2 आवर्स 30 मिनट में वो कितने किलोमीटर्स जाएगी? तो 2 आवर्स का मतलब 2.5, 2.5 आवर्स में 2.5 आवर्स, तो देखिए 2 × 5 × 80, 200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, 8 मेंबर्स ऑफ फैमिली रिक्वायर 6.4 kg फ्लोर पर वीक, यानी एक वीक में ये लोग इतना इनको फ्लोर यानी आटे की ज़रूरत पड़ती है। हाउ मच फ्लोर विल बी रिक्वायर्ड टू गेस्ट टू कम स्टे फॉर अ वीक, यानी अगर इसके यहाँ 2 गेस्ट यानी मेहमान आ जाएं और 1 हफ्ते तक रहें तो उनको पूरे टोटल कितने फ्लोर की ज़रूरत होगी, आटे की ज़रूरत होगी। 8 मेंबर्स रहते हैं तो उनको कितने फ्लोर की ज़रूरत होती है? 6.4 kg। तो एक मेंबर कितना खाता है यानी एक मेंबर की रिक्वायरमेंट क्या है, सॉरी MEMBER, एक मेंबर की ज़रूरत कितनी है? 6.4 × 8.8 kg। अब देखिए ये तो इतना है, लेकिन 2 मेंबर्स कितना खाएंगे वे वीक में? 2 मेंबर्स के लिए रिक्वायर कितनी होगी? 0.8 × 2 1.6, यानी 8 मेंबर्स प्लस 2 गेस्ट, तो 8 मेंबर्स कितना खाएंगे? 6.4 kg की ज़रूरत होती है। 2 नए गेस्ट जो आएंगे उनको कितनी ज़रूरत होगी? 1.6। कुल मिला के 6, 4, 10, 6, 1, 7 और 1 कैरी 8 8 kg की ज़रूरत होगी। टोटल ये 0.8.0 यानी 8 kg की ज़रूरत होगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अ मैन इज़ टू कवर डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर इफ़ ही वॉक 10 किलोमीटर अ डे, इन हाउ मेनी डेज ही कवर द होल डिस्टेंस, यानी एक आदमी को 90 किलोमीटर जाना है, पर डे वह 10 किलोमीटर वॉक करता है, तो ये बताए कितने दिन में वो 90 किलोमीटर कवर कर देगा। सीधी सी बात है, 9 डेज, उसको टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है? 90 किलोमीटर्स। पर डे वह कितने कितना कवर करता है? 10 किलोमीटर्स। तो हमें क्या करना है, कितने दिन में वो कंप्लीट करेगा, टोटल डेज उसको कितने लगेंगे, यानी टाइम। टाइम पूछ रहा है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड, तो डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको? 90 किलोमीटर। पर डे कितना चल रहा है? 10 किलोमीटर। 9 डेज में वह क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। ठीक, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द वेट ऑफ 24 आइडेंटिकल आर्टिकल्स इज 28.8 kg। 42 आर्टिकल का वेट, उसी तरीके के 42 आर्टिकल्स का वेट बताना है, और हाउ मेनी आर्टिकल्स विल वेट 38.4। अब देखिए 24 आर्टिकल्स का वेट कितना है, इतना। 1 आर्टिकल का वेट कितना होगा, 1 आर्टिकल का वेट क्या होगा, सॉरी आर्टिकल का वेट क्या होगा? 28.8 यानी 24 से डिवाइड कर देंगे तो 24 × 1 = 24, 4 = 1.2 kg। तो हमें क्या बताना है, अब हमें क्या करना है, ए नंबर क्वेश्चन को बताना है जिसका मैं पूछ रहा है 42 आर्टिकल्स का बताना है, 42 आर्टिकल्स का बताना है वेट, वेट ऑफ 42 आर्टिकल्स। तो 42 × 1.2, 12 × 2 = 24, 2 कैरी, 12 × 4 = 48 और 2 = 50, 1 place per decimal 50.4 kg हो जाएगा। बी पूछ रहा है 38.4 kg कितने आर्टिकल्स का वेट होगा, तो इसमें
देखिए ये बताना बहुत ही आसान है, 1.2 से हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 384/12, 3 जा 12, 3 जा 36 और 2 बचा 32 आर्टिकल्स का होगा आंसर आ जाएगा। 32 आर्टिकल्स का वेट क्या होगा, इतना होगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।